खबर अनूपपुर से है, जहां पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह के नेतृत्व में अपर नर्मदा परियोजना के तहत निर्मित होने वाले बांध को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रस्तावित बांध की जद में आने वाले ग्रामों के ग्रामीण भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को सहित कांग्रेस नेताओं ने बांध निर्माण कार्य को निरस्त करने मांग को लेकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रभारी कलेक्टर अमन वैष्णव के आने के बाद ही विधायक ने विरोध प्रदर्शन बंद करते हुए ज्ञापन सौंपा, जिसमें बांध निर्माण से भूकंप का प्रकोप इस क्षेत्र में बढ़ने, परियोजना से 6700 से ज्यादा आदिवासी परिवारों का विस्थापन होने और उनके सांस्कृतिक ऐतिहासिक विरासत नष्ट होने को लेकर बांध निर्माण पर रोक लगाने, पांचवी अनुसूची के अंतर्गत शामिल क्षेत्र में किसी भी कार्य के लिए राज्यपाल से अनुमति लेने, ग्राम सभा की सहमति लिए बिना यह परियोजना स्वीकृत किए जाने, बांध निर्माण से उपजाऊ भूमि डूब क्षेत्र में आने से आदिवासी समुदाय को नुकसान होने, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास नियमों का पालन न करने, नर्मदा परियोजना निर्माण स्थल के समीप आदिवासियों की आराध्य देवी करबेमट्टा करमश्री स्थल में जल भराव होने की वजह से आदिवासी समाज की भावनाएं आहत होंगी। पत्र में यह भी लिखा है कि आदिवासी समाज बांध निर्माण का विरोधी नहीं है, छोटे छोटे बांध का निर्माण करते हुए लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई की व्यवस्था बनाई जाए। अनूपपुर से संवाददाता ओमकार सिंह की रिपोर्ट। मां नर्मदा के उद्गम से 40 किलोमीटर दूर शोभापुर बांध के नाम पर बांध बनाए जाने का प्रस्तावित रहा है। वर्तमान में ये निर्माण कार्य बड़े तेजी से चल रहे हैं और कई किसानों का 111 के तहत कार्रवाई भी की जा रही है, जबकि पूरी जनता पुष्पराजगढ़ की इस बात पर आक्रोशित हैं कि हम मां नर्मदा में बांध नहीं बनाने देंगे। चूँकि पुष्पराजगढ़ का एक ऐसा क्षेत्र है, दमेहड़ी क्षेत्र हमारा, मां नर्मदा की वो तराई है जहां बिना खाद के वहां कृषि किया जाता है, पैदा होते हैं, और ऐसे भूमि को सरकार द्वारा लेने के लिए आतुर हैं। हम समस्त किसान भाई इस बांध के विरोध में, बांध न बनाई जाए, सारे पुष्पराजगढ़ के माताएं, बहनें, किसान और सभी जनमानस आज जिला कलेक्टर में को हम ज्ञापन दिए हैं कि आप तत्काल इस कार्यवाही को रोकें, नहीं किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है, इसकी जिम्मेदारी जिला कलेक्टर का होगा, प्रशासन का। नर्मदा बांध शोभापुर के विरोध में आए हैं भाई, वहां बांध बनाया जा रहा है और बांध हमको नहीं चाहिए, पूरे डूबने आ रहा है, हमारे डूबने के जल जंगल जमीन और अब पूरे आदिवासी समाज यदि डूब में चली जाएगी तो हम क्या करेंगे, बांध हमको नहीं चाहिए। क्या समस्या है वहाँ बांध बनने से? हाँ, बांध बनने से जो है वहाँ के लोग बाग अस्त हो जाएंगे और डूब में आ जाएगा, और इतने जो है उपजाऊ भूमि है वहाँ की, दो फसल बिना सिंचित के हम जो है उगाई कर लेते हैं, विरोध करेंगे, विरोध कर लड़ाई भी करेंगे, और जैसे भले हमारे प्राण चले क्यों ना चले जाए, लेकिन अपनी जमीन को हम छोड़ेंगे नहीं।